क्वेश्चन है, इफ एक्स इज इक्वल टू टी रेज टू पावर 4, फाइंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, फाइंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। चलो देखते हैं, तो इसमें x की वैल्यू आपको गिवन है t रेज टू पावर 4, आप लेफ्ट की तरफ लगाओ d बाई डी टी ऑफ x, तो ये आएगा d बाई डी टी ऑफ t रेज टू पावर 4, तो ये आएगा dx एक्स बाई डी टी, तो वेलोसिटी v होती है, तो दिस इज v, और डिफ्रेंशिएट करके 4 इंटू टी की पावर 3। लेफ्ट हैंड साइड पे d बाई डी टी लगा दो, राइट हैंड साइड पे भी d बाई डी टी लगा दो, कितना 4t³, तो ये क्या आएगी इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन 4 इंटू डी बाई डी टी ऑफ टी क्यूब, तो 4 इंटू 3t² आंसर इज 12t². तो क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है? ठीक, सब्जेक्टिव शीट 2 कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर 14, सब्जेक्टिव शीट 2 का क्वेश्चन नंबर 14, तो इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, वाई इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 4, एंड यू हैव टू कैलकुलेट डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर एंड डी थ्री वाई बाई डी एक्स क्यूब, ये क्वेश्चन है। तो आपको डबल डेरिवेटिव की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। ठीक है, तो क्या करेंगे, क्या आंसर आया इसका, कितना कर रहे हो? अच्छा करो करो, ओके। तो y इज इक्वल टू x रेज टू पावर 4, तो d बाय डी एक्स लगाते हैं लेफ्ट साइड पे, d बाय डी एक्स लगाएंगे राइट साइड पे, ये लो। तो ये क्या आएगा, dy वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स की पावर 3। अब आपको एक बार डिफ्रेंसिएशन मिल गई, आपको डबल निकालना है, आप लेफ्ट की तरफ लगा दो dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स लेफ्ट की तरफ, तो dy बाई डी एक्स राइट की तरफ, ऐसे 4x³, ऐसे। तो लेफ्ट की तरफ क्या आएगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 कॉन्स्टेंट, एक्स क्यूब की डिफ्रेंसिएशन क्या है 3x², तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 12x की पावर 2। क्या स्टेप क्लियर है सबका, आ गया ये? ठीक है, अब एक काम करते हैं, एक बार और डी बाई डी एक्स लगा देते हैं, तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 12x², तो ये आएगा डी थ्री वाई बाई डी एक्स क्यूब इज इक्वल टू 12 कॉन्स्टेंट और एक्स स्क्वायर की डिफ्रेंसिएशन 2x, कितना आएगा 24x। कितने लोगों का आ गया था 24x? ठीक है, तो समझ में आ रहा है यहां तक?
ये क्लियर है. नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें गिवन है कि इफ एस इज इक्वल टू, नहीं, इफ वाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी. प्लीज नोट कर लें, दिस सिंबल इज नोन एज ओमेगा, एंड ओमेगा एंड ए बोथ आर कॉन्स्टेंट्स. ये गिवन कर लें, ये दोनों कॉन्स्टेंट्स हैं, दोनों कॉन्स्टेंट्स हैं. और आपको क्या निकालना है, डी टू वाई बाय डी टी स्क्वायर. अपने स्टेप्स चेक करवा सकते हो प्लीज. ठीक है, मैं काम करता हूँ, आपको एक डिफरेंशिएशन करके दिखाता हूँ, डबल डिफरेंशिएशन आप करना. ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसके अंदर हम वैल्यू लिखते हैं, वाई की वैल्यू क्या है, ए साइन ओमेगा टी. आप लेफ्ट की तरफ लगाओ डी बाई डी टी, आपको राइट पे भी लगाना पड़ेगा डी बाई डी टी. कोई डाउट इसमें, ये स्टेप क्लियर है? ठीक, तो ये टर्म आ गई डी वाई बाई डी टी, क्योंकि ए इज अ कॉन्स्टेंट, तो ए को बाहर निकाल लो, इन टू डी बाई डी टी ऑफ साइन ऑफ ओमेगा टी. कोई डाउट इसमें, ए कॉन्स्टेंट है, बाहर निकाल लिया. नेक्स्ट है डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू ए इन टू, साइन की जो डिफ्रेंसिएशन है वो क्या होती है, कॉस, कॉस ऑफ ओमेगा टी, इन टू डी बाई डी टी ऑफ एंगल, एंगल क्या है, ओमेगा टी. एंगल तो ओमेगा टी है, तो डी बाई डी टी ऑफ ओमेगा टी. अब क्योंकि ओमेगा इज अ कॉन्स्टेंट, तो ए इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी, ओमेगा इज अ कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, तो क्या बचा, डी टी बाई डी टी, जो कि क्या होता है, वन. तो यहां से डी वाई बाई डी टी की वैल्यू आ गई ए ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी. ये लो, ये आपके पास डी वाई बाई डी टी की वैल्यू आ गई. कोई डाउट इसमें, कॉन्स्टेंट के साथ वेरिएबल भी तो, टीवी तो चल रहा है ना, ये कॉन्स्टेंट, अगर ये अकेला कॉन्स्टेंट होता तो जीरो था, ओमेगा बाहर आ गया तो डी टी बाई डी टी तो वन होता है ना, ओमेगा इंटू टी है वो, अगर अकेला ओमेगा होता तो कॉन्स्टेंट है तो डिफ्रेंसिएशन जीरो ही होती, पर ओमेगा जब बाहर आ गया तो अंदर क्या बचा, डी टी बाई डी टी, फिर कैसे होगा जीरो. ये स्टेप क्लियर है? ठीक है, अब इसको एक बार और डी बाई डी टी लगाओ दोनों तरफ और फिर चेक करो.
ठीक है, तो इसमें ये आपके पास डी वाई बाई डी टी है, तो हम एक काम करते हैं, लेफ्ट की तरफ लगाते हैं डी बाई डी टी ऑफ डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू राइट की तरफ भी डी बाई डी टी ऑफ ए इंटू ओमेगा इंटू कॉस ऑफ कितना ओमेगा टी। ठीक है, तो ये क्या बन गया, डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू ए ओमेगा बाहर आ गया क्योंकि कॉन्स्टेंट है, तो आपके पास क्या बचा, कॉस ऑफ ओमेगा टी, ये बच गया राइट। इसके बाद नेक्स्ट क्या करेंगे, इसमें डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू ओमेगा इंटू कॉस की डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन ओमेगा टी। कई लोग ना ब्रैकेट नहीं लगाते ये वाला, तो ऐसा लगता है कि ये इसमें से माइनस हो रहा है, इंटू डी बाई डी टी ऑफ क्या ओमेगा टी ऐसे। तो डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर विल बी इक्वल टू, ये यहाँ से ओमेगा कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, तो चलो लिख देता हूँ ए ओमेगा माइनस साइन ऑफ ओमेगा टी, ओमेगा बाहर आ गया तो डी टी बाई डी टी इज अगेन वन, तो ओमेगा इंटू ओमेगा ओमेगा स्क्वायर माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ऑफ ओमेगा टी इज द आंसर। क्या स्टेप क्लियर है यहाँ तक, सेम ही तो है जो पहले किया था उसी की तो कॉपी है ये, पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक, किसी स्टेप में किसी को कोई डाउट? ठीक है, हम एक चैप्टर करेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन दिसंबर जनवरी में, उसमें ये कैलकुलस यूज होता है चैप्टर में, मतलब ये एक्चुअल में ऐसी चलेगी फिजिक्स, पर वो क्योंकि आप सोचते हैं कि फिजिक्स ऐसे में चलती है, फिजिक्स तो एक्सप्लेनेशन है, नेचुरल फिनोमेनास की स्टडी है, ये कहाँ का नेचुरल फिनोमेना है, कहाँ से लग रहा है आपको नेचुरल फिनोमेना, नेचुरल फिनोमेना को स्टडी करेंगे थ्योरी में, प्रूव करेंगे मैथमेटिकल विद द हेल्प ऑफ कैलकुलस, तो मैथमेटिकली प्रूव किया जाएगा ऐसा है, ठीक है ना, तो इस तरीके से फिजिक्स चलेगी। तो इसके लिए आपको मैथ्स चाहिए होगा प्रूव करने के लिए, तो ये मैथ्स कर रहे हैं हम, तो उसके बाद जैसे जैसे फिजिक्स आगे चलेगी आपको अपने आप समझ में आएगा कि कैलकुलस कैसे हर जगह फिट हो जाएगा। आज के लेक्चर के एंड में भी आपको बताऊंगा कि आज इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन की एप्लीकेशन कैसे यूज होगी आपके फिजिक्स के अंदर, वही गाड़ी चलेगी, गाड़ी कैसे चलेगी दिखाते हैं अभी, ठीक। तो यहाँ तक क्लियर है, तो एक क्वेश्चन और डिफ्रेंसिएशन का, उसके बाद क्लोज करते हैं। क्वेश्चन नहीं, दो क्वेश्चन हैं, 16th और 17th, तो 16th का आंसर क्या आ रहा है, लगता तो नहीं 4 6 आ रहा होगा। तो क्वेश्चन है टी क्यूब बाई 3 प्लस टी स्क्वायर माइनस 1, आपको निकालना है ds बाई डी टी एंड आपको निकालना है डी टू एस बाई डी टी स्क्वायर, कब, जब टाइम क्या है 2 सेकेंड। तो एक काम करते हैं, क्योंकि s की वैल्यू है टी क्यूब बाई 3 प्लस टी स्क्वायर माइनस 1, लेफ्ट की तरफ लगाते हैं d बाई डी टी, तो राइट की तरफ भी लगाएंगे d बाई डी टी, तो आपके पास क्या आएगा, ds एस बाई डी टी इज इक्वल टू 1/3 कॉन्स्टेंट है, d बाई डी टी ऑफ t का क्यूब प्लस d बाई डी टी ऑफ t का स्क्वायर माइनस d बाई डी टी ऑफ 1, तो आपके पास क्या आएगा, ds एस बाई डी टी विल बी इक्वल टू 1/3 इंटू 3t स्क्वायर प्लस 2t माइनस 0। तो ds एस बाई डी टी सॉल्व करके आया टी स्क्वायर, क्योंकि 3 से 3 कैंसिल प्लस 2t। क्या ये स्टेप सबको क्लियर है, तो एक स्टेप हो गया कैलकुलस का क्लियर है यहाँ तक। अब उसने क्या पूछा, ds एस बाई डी टी निकालो एट टाइम t इज इक्वल टू कितना 2 सेकेंड, तो ds एस बाई डी टी की वैल्यू 2 सेकेंड पे क्या आएगी, 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2, तो 4 प्लस 4 क्या हो गया 8, और इसके यूनिट्स क्या होंगे, मीटर पर सेकेंड, क्योंकि वेलोसिटी के ऊपर काम हो रहा है। क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट इसमें, ठीक। तो कुछ नहीं करना, s है, इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया, तो आप डिफ्रेंशिएट करके आंसर आ गया, टाइम को एंड में पुट कर दिया। अब सेकेंड पार्ट करना है d2s by dt square, तो सेकेंड पार्ट में क्या करना है आपको, इसमें क्योंकि ds by dt की वैल्यू क्या गिवन है, t square plus 2t, आप लेफ्ट की तरफ लगाओ d by dt, तो आप राइट की तरफ भी लगाओगे साथ के साथ d by dt of t square plus 2t, ये लो, तो ये क्या आएगा d2s बाई डी टी स्क्वायर, और यहाँ से डिफ्रेंशिएट करके क्या आएगा 2t प्लस 2, फिर आप एंड में t इज इक्वल टू क्या पुट करोगे 2,
तो टू पुट करोगे तो क्या आएगा, टू इंटू टू प्लस टू यानी कि 6 meters पर सेकेंड का स्क्वायर, क्योंकि दो बार डिफ्रेंसिएशन की है एस की, तो ये एक्सेलरेशन होगी। क्या स्टेप क्लियर है यहाँ तक? तो एक बार करेंगे तो वेलोसिटी, दो बार करेंगे तो एक्सेलरेशन। कोई डाउट इसमें? ठीक ठीक है यहाँ तक? सिक्स है इसमें? ठीक है यहाँ तक। और इसी तरीके से जो लास्ट क्वेश्चन 17 का आंसर क्या है, इसका भी 6 है। कितनों का 6 आ रहा है? 1 2 3 4 5 6 7। देखो जरा क्या क्वेश्चन है। एस की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है कितनी, टी क्यू प्लस टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1। आपको क्या निकालना है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। कब? जब टाइम क्या है, 1 सेकेंड। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है? डी एस बाय डी टी। तो डी बाय डी टी ऑफ एस कितना है? टी क्यू प्लस टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1। तो वी विल बी इक्वल टू 3t² प्लस 2t + 1। तो ये वी की वैल्यू आ गई, क्योंकि आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है। तो आप टाइम को क्या पुट करोगे? 1 सेकेंड। तो वी क्या आएगा? 3 × 1 प्लस 2 × 1 प्लस 1, तो कितना आएगा? 6 meters per second। कोई डाउट इसमें? ठीक।